चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑफ क्लास 11। अब इस चैप्टर को मैंने इसीलिए दोबारा से उठाया है क्योंकि ये आपकी जो बायो है, जो लिविंग वर्ल्ड है, पूरा जितना भी हमारा वर्ल्ड है, पूरा बेस है ये, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि एनिमल्स वगैरह में कौन कौन से टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से एपिथीलियम होते हैं, व्हाट इज एपिथीलियम और किसका कहाँ पे क्या रोल है और कौन सा ऑर्गन किस चीज से बना हुआ है और किसके अंदर क्या है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। आगे जाके आपको पता चलेगा कि यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी है उसकी हमारे एनिमल किंगडम में। तो जो यूनिसेलुलर्स होते हैं ना, वो फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सिंगल सेल से कर लेते हैं, सब काम भाई ये एक ही सेल से कर लेंगे। और जो मल्टी सेलुलर है उनकी तो अलग ही चर्चा है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ऊपर से जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं ना वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। ये बात याद रखना कि जो हाइड्रा है ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के भी होते हैं एंड जो इनके सेल्स का नंबर होता है ना वो थाउजेंड्स तक जा सकता है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक How do these cells in the body work together? In multicellular organisms, a group of similar cells along with the intercellular substance perform a specific function such as organization is called tissue. मतलब जितने भी टाइप के आपके सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। अब जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं एंड उसके साथ बना के, अब आपने सुना होगा जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप में आ जाते हैं तो टिश्यू बनता है, अब जब टिश्यूज ग्रुप्स में आ जाते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं एंड जब ऑर्गन्स ग्रुप्स में आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो वही बात है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे सेल्स होते हैं है ना, और उसी के हिसाब से फिर टिश्यूज भी काफ़ी सारे होते होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चार बेसिक टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हर्ट्स एंड किडनीज। अब यही जो चार पांच टिश्यूज हैं यही अच्छे से स्पेसिफिक वे में एक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं जिससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, लाइक स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हर्ट हो गए, ये सब। When two or more organs perform a common function by their physical or chemical interactions, they together form an organ system. वही बात हो गई, जब दो और दो से ज़्यादा organs एक साथ common function को करते हैं तो फिर वो organ system में आ जाते हैं। Just like digestive system, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आ जाती है, आपका esophagus आ गया है ना, उसके बाद स्टमक भी आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कॉन्ट्रीब्यूट द सेवरल ऑफ द बॉडी एज अ होल। ये जितनी भी हैं ये सब चीज़ें, ये सब मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बना रही हैं जो कि आपके शरीर का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एनिमल टिश्यूज, ठीक है। The structure of cells varies according to their function. Therefore, there are four different types of epithelium. ठीक है, epithelial tissue, connective, muscles and neurons. Epithelial जो होता है ना, जो आपकी skin है, ये जो skin है ये epithelial tissue से बनी हुई है। जो connective tissues होते हैं ना उसके अंदर आपका blood भी आ जा रहा है, muscles, जो मसल्स होते हैं वो तो फिर आपको समझ ही आ रहा है कि मस्कुलर, तो फिर वो मसल्स से ही कुछ कनेक्टेड होगा। न्यूरल जो कि आपके न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं एपिथीलियल टिश्यू के बारे में। वी कॉमनली रेफर्स टू एन एपिथीलियल टिश्यू एज एपिथीलियम। तब से एपिथीलियम, एपिथीलिया यही सब बोला जाएगा। दिस टिश्यूज हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और दी आउटसाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो आपकी स्किन है ये भी एपिथीलियम है,
तो कि ये जो है ये आउटसाइड को फेस कर रही है, और जो बॉडी फ्लूइड मतलब जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना वो भी किसी टाइप के एपिथीलियम से ही सराउंडेड होते हैं, तो इसलिए वो बॉडी फ्लूइड को वो करते हैं। दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल आर कम्पैक्टली पैक्ड विद इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथीलियम, नेमली स्मॉल सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम। जो सिंपल एपिथीलियम होता है वो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, अब ये बात याद रखना, जो बॉडी कैविटीज है, डक्ट्स एंड ट्यूब्स है, उसको सिंपल एपिथीलियम जो है वो लाइन करता है। द कंपाउंड एपिथीलियम इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स एंड हैव प्रोटेक्टिव फंक्शंस एज इट इज इन आवर स्किन। जो हमारे स्किन में होता है वो कंपाउंड एपिथीलियम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स सिंपल एपिथीलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो हमारा सिंपल एपिथीलियम है उसको हमने तीन पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, स्क्वामस, क्यूबॉइड और कॉलमिनार। स्क्वामस जो हो गया जस्ट लाइक दिस, ये जो है ना हमने सेल्स को लिया एंड उसको ऐसे चिपटा कर दिया। क्यूब लाइक क्यूबॉइडल हो गए। जो ये कॉलमिनार हो गए ये बड़े बड़े हो गए ये, है ना। और जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादातर नीचे ही पाया जाता है, तो फिर और ऐसा देख लो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। हमारे स्क्वामस एपिथीलियम जो होते हैं वो सिंगल थिन लेयर्ड ऑफ फैटेंड सेल्स से बने हुए होते हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज। अब आपने किसी सेल को लिया उसको चिपटा कर दिया तो इररेगुलर बाउंड्रीज हो जाएंगी ना, एकदम सिंपल स्मूथ तो नहीं होंगी, है ना। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में स्क्वामस एपिथीलियम पाए जाते हैं एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक है, द क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स होता है किडनी में और जो डक्ट्स होते हैं ग्लैंड के, वो हमारे क्यूबॉइडल एपिथीलियम से बने हुए होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शंस आर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आपने ये देखा कि ग्लैंड्स में है तो वो सेक्रीट करेगा और जो न्यूफ्रॉन का पार्ट है फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर इट्स ऑब्वियस द एपिथीलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। जो पीसीटी होता है ना हमारा नेफ्रॉन्स का, उसके पास माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई क्या होता है, जैसे एक सेल हो गया उसके ऊपर ना ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। वो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, जस्ट लाइक ये जो मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर आपको ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, ये विलाई होता है। ठीक है, ऐसे ही सीलिया भी होता है और विलाई भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, द कॉलमिनार एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। देयर न्यूक्लियस आर लोकेटेड ऑन द बेस। जैसे कि मैंने बताया जो लॉन्ग वाले होते हैं उनका बेस ज़्यादातर नीचे होता है, जो हमारा न्यूक्लियाई होता है वो बेस पे पाया जाता है। फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाई, जो ऊपर दिखाया वो माइक्रोविलाई था और वो टॉल वाले का था। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में जो होता है वो आपका कॉलमिनार एपिथीलियम पाया जाता है और हेल्प करता है सेक्रेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में, सेम द फंक्शन। इफ द कॉलमिनार और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथीलियम। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के ना एक और नाम दे दिया है, अगर क्यूबॉइडल एपिथीलियम हो गया और कॉलमिनार एपिथीलियम है, दोनों के फ्री सरफेस पे अगर सीलिया होता है तो उसको सीलिएटेड एपिथीलियम बोल देते हैं। ठीक है, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम। मतलब अब जैसे कि कोई चीज़ है तो उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो वो अपने आप ऐसे स्मूथली चली गई ना, बट हाँ मतलब फ्रिक्शन था तो वो रुक गई जाके बट चली ना, तो वैसे ही है अगर हम कोई भी चीज़ है हमारे शरीर के अंदर तो वैसे चली जाएगी, बट उसी को रोकने के लिए कि स्पेसिफिक वे में जाने के लिए ये सीलिया अपने पास रखते हैं ताकि वो किसी चीज़ को ना ऐसे बाइंड करके रखें, ऐसे रोक के रखें। ठीक है, दियर फंक्शन इज
टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स. ठीक है, लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स. अब फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होते हैं, जो ओवरीज होता है उसको रखने के लिए, है ना. सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. अब आप ये जो देख रहे हो, जैसे कि ये आपका ये यूनिसेलुलर हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गया, ये जो ग्लैंड्स हैं ये अंदर से एक लाइक पॉट लाइक है ना, वो चीज़ को ऐसे रोक के रख रखा है, तो वो ग्लैंड्स के सेक्रीशंस वगैरह हैं, उसके अंदर सेक्रीशंस होते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स नोन एज ग्लोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सम ऑफ द कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर जो कि हमारे ग्लोबलेट सेल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, एंड द मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड. ऑन द बेस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर सेक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन जो होते हैं वो सेक्रीट्स करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक्सोक्राइन है, वो बाहर की तरफ है, तो वो मिल्क को भी सेक्रीट कर रहा है, म्यूकस को भी सेक्रीट कर रहा है, ईयर वैक्स, ऑयल वगैरह को भी सेक्रीट करता है. दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू आउट डक्ट्स और ट्यूब्स. डक्ट्स से निकल जाते हैं, नहीं तो ट्यूब से. अब यहीं पे देखें, इन कॉन्ट्रास्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डू नॉट हैव डक्ट्स, उनके पास डक्ट ही नहीं होते. देयर दे प्रोड्यूस कॉल्ड हार्मोन्स. जो हार्मोन्स होते हैं ना वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं डायरेक्टली इन द फ्लूइड बाथ ऑफ द ग्लैंड्स. मतलब वो जो फ्लूइड होता है ना ग्लैंड्स का, उसी के अंदर डायरेक्ट हार्मोन्स को सेक्रीट कर देते हैं. दे आर नोन एज एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन जो कि बाहर की तरफ आती हैं चीज़ें, जो हमको दिख भी जाती हैं कभी कभार, और जो एंडोक्राइन है वो हॉर्मोन्स को ही करता है बस. ठीक है, कंपाउंड एपिथीलियम की बात करते हैं. इट इज मेड अप ऑफ वन मोर लेयर. मतलब एक लेयर तो थी, एक और लेयर या फिर उससे भी ज्यादा लेयर्स. ठीक है, दस हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. जो केमिकल स्ट्रेस मैकेनिकल स्ट्रेस है उससे ये प्रोटेक्ट कराता है हमारे, होता है. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic duct. All cells in epithelium are held together with little intercellular material. ठीक है, जितने भी एपिथीलियम में सेल्स होते हैं ना, जितने भी सेल्स होते हैं सारे जो होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एक टाइप से चिपके हुए होते हैं, हेल्ड होते हैं. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional link between its individual cell. अब दो cells हैं, ठीक है, मान के चलो दो घर हैं. अब उसके बीच में मैंने ना एक दरवाजा लगा दिया और एक दीवार लगा दी, मतलब दीवार लगाई उसके अंदर दरवाजा बना दिया, वैसे टाइप का कुछ है यहाँ पे. अभी आगे चलो समझ आएगा. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन. अब वो जो मैंने दरवाजा और दीवार लगाई है ना, उसका नाम सेल जंक्शन दे दिया गया है, जो कि फाउंड होता है हमारे एपिथीलियम में एंड अदर टिश्यूज में भी. दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहरिंग एंड गैप जंक्शन. अब जैसे कि टाइट जंक्शन हो गया, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. एक सेल है, दूसरा सेल है, यहाँ पे हमने एक टाइट जंक्शन बना दिया. ठीक है, अब ये ना कि कोई चीज़ इसको ट्रांसफर कर रहा है तो वो ऐसे लीक नहीं करेगी, ऐसे गिर के फैल नहीं जाएगी. अब यहीं पे एडहेरिंग जंक्शन की बात करें तो वो परफॉर्म करता है जो दो सेल्स होते हैं उनको सीमेंटिंग का, मतलब जो हमने दीवार बनाई थी ना उसी का काम कर रहा है ये एडहेरिंग जंक्शन. अब ये जो गैप जंक्शन है ना, इट्स लिटल इंटरेस्टिंग, तो ध्यान सुनना. फैसिलिटेट दी सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फ्रॉम रेपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स. एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, इन लोगों को कम्युनिकेट करना है, मतलब जो सामान है वो इधर उधर करना है. तो ये जो होता है ना, ये साइटोप्लाज्म के बीच में एक टनल टाइप की चीज़ बना देता है. ठीक है, अब वो जो आयंस वगैरह है वो चले जाएंगे, जो बिग मॉलिक्यूल्स है कभी कभार वो भी चले जाएंगे, बट हाँ
वो ना होता है वो साइटोप्लाज्म को एडजॉइन करता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं आगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। मतलब बात की जाए हम ह्यूमंस की, वी आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे आर स्पेशल फंक्शंस ऑफ लीकिंग एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इनके फीचर्स से ही रखा गया है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये लिंकिंग भी कराते हैं, सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे टिश्यूज ऑर्गन्स वगैरह को हमारे बॉडी के। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप विच इंक्लूड्स। अब ये इंक्लूड करते हैं कार्टिलेज को, बोन को, एडिपोज को एंड ब्लड को। ये इनके टाइप्स हैं, तो याद रखना कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। In all connective tissues except blood, the cell secretes fibers of a structural protein called collagen or elastin. The fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissues. ठीक है, अब ये जो होते हैं ना bones, adipose tissues, cartilages वगैरह, ये लोग जो होते हैं वो secrete करते हैं fibers को, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम कोलेजन और इलास्टिन वगैरह मान लो। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दो सेल्स आर आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एक्ट एज मैट्रिक्स विच इज नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। जो कि आपने पहले भी सुना था कि जो सेल्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स पे रहते हैं, तो फिर हाँ वो जो मैट्रिक्स है ना वो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू। Present within the skin, often it survives as a supportive framework for epithelium. अब देख के चलो, जो loose connective tissue है ना, वो एक cell होता है जो कि fibrous जो होते हैं वो उसके loosely arranged होते हैं हमारे semi-fluid ground substance में। Semi-fluid है, पूरा ही fluid नहीं है और पूरा ही solid नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो loosely connective tissue के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ये फ्रेमवर्क भी सपोर्ट करता है हमारे एपिथीलियम को, कंसिस्ट होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट्स फाइबर्स। जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, इट इज लाइक दिस टाइप ऑफ सेल, ठीक है, यहाँ से ऐसे फाइबर्स वगैरह को सेक्रेट कर रहा है। माइक्रोफेजेस एंड मस्क सेल्स। एडिपोज टिश्यूज is another type of loose connective tissue located mainly within the skin. जो adipose tissue है वो ज़्यादातर हमारे skin में पाया जाता है, जो कि एक loosely connective tissue है जिसका other part है, ठीक है। The cell of these tissues are specialized to store fat. The excess of nutrients which is not used immediately are converted into fat and stored in these tissues. ये जो एडिपोज टिश्यूज है इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये जो फैट्स होते हैं इनको स्टोर करता है, क्योंकि जो भी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने ज़्यादा ले लिए हैं, जो अभी इस्तेमाल नहीं होने वाले कुछ टाइम बाद होंगे, तो वो जो होते हैं ना वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Orientated of fibers shows a regular or irregular pattern are called dense regular or dense irregular tissue. जो fiber and fibroblast है वो completely packed है, मतलब compactly packed है, काफी ज्यादा चिपके चिपके हैं ऐसे है। और हाँ, जो होता है ना, अगर ये regular pattern में है तो dense regular हो गया, और जो irregular में है तो वो dense irregular हो गया, ठीक है। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Tendons which attach to skeletal muscles to bones. जो tendons होते हैं वो skeletal muscles को bone से करते हैं, और जो ligament होते हैं वो bone to bone को attach करते हैं। जो लिगामेंट्स है वो बोन टू बोन कर रहे हैं, एंड जो टेंडन्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स टू बोन्स को अटैच कर रहे हैं। दिस आर लाइक अटैचिंग, ठीक है।
another are of the example of the tissue. Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers. Mostly collagen. ज़्यादातर collagen पाया जाता है dense irregular connective tissue में. That are oriented differently. This tissue are present in the skin cartilage. ठीक है, जो skin है cartilage है उसके अंदर ज़्यादातर dense irregular connective tissue पाया जाता है. The smooth muscles, fiber taped at both ends. फ्रूसीफॉर्म के होते हैं. अब मैं आपको स्मूथ मसल दिखाऊँ ना, तो ये जो है ना ये स्मूथ मसल है. ठीक है, जो टेप्ड है इनके एंड्स जो हैं वो टेप्ड हैं अच्छे से, जो है इसको फ्रूसीफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस. स्ट्रिएशंस ये होती हैं, ये जैसे लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है ना, ये नहीं दिखाता है. सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू श्रेड. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये मसल्स वगैरह पाए जाते हैं. द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू. जो स्मूथ मसल टिश्यू है वो ये पाया जाता है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर. स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल. ये इनवॉलेंट्री होते हैं भाई, ये इनकी मर्जी है, ये जैसे काम करेंगे वैसे करेंगे. ठीक है, वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट. हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ अब तू कॉन्ट्रैक्ट कर जा तो वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है. वी कैन डू विद स्केलेटल मसल. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये जो हैं ये वाले मसल्स आर नोन एज स्केलेटल मसल्स. हम इनको कह सकते हैं जस्ट लाइक मैंने ऐसे किया तो मैंने किया ना, तो फिर ये जो मसल्स बने हैं स्केलेटल मसल्स तो जो ऐसे कनेक्ट हुए. ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुए. अब बात करें कार्डियक मसल टिश्यू की. इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. अब कार्डियक सुनकर ही आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा हार्ट, क्योंकि आप तो बायो वाले स्टूडेंट हो, है ना, तो फिर वही बात है हार्ट में पाया जाता है सिर्फ. सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर. कम्युनिकेशन जंक्शंस एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउज द सेल टू कॉन्टैक्ट एज अंटिल When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. मतलब ये जो होते हैं ना हमारे कार्डियक वाले, अगर जो है एक सेल रिसीव करता है सिग्नल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके जो नेबरिंग है ना वो भी वही मानेंगे, वही बात मानेंगे. और ये बात ध्यान से रखना, ये जो होते हैं ना ये जो स्केलेटल वाले होते हैं इनके अंदर स्ट्रिएशंस अच्छे से होते हैं. जो कार्डियक वाले होते हैं उसके अंदर भी होते हैं, बट जो स्मूथ वाले होते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं. एंड जो न्यूक्लियस है वो इधर उधर से फैला पड़ा रहता है. ये देखो ये जो जंक्शन है ये यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है ना भाई. लास्ट टॉपिक आ गया आपके इस चैप्टर का, तो खुशियाँ मनाओ. द न्यूरल टिश्यू. ठीक है, न्यूरल टिश्यू भाई, न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू एक्सेप्ट The greatest control over the body responsive to change conditions. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. अब जो neural tissue है ना भाई, वो तो great control करता है आपकी body के response को लेके. क्योंकि अगर उसने बोला भाग तो तुम भागोगे, नहीं तो नहीं भागने वाले. और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल स्टेट में रहते हैं. जैसे कि यहाँ से आपको इम्पल्स आया तो तुरंत जाएगा, नहीं तो फिर अगर यहीं पे घूमता रह गया ना तब तो फिर सालों लग जाएंगे भाई तुम्हारी शरीर को चलने में. द न्यूरोलॉजिकल सेल विच कॉन्स्टेंट द रेस्ट स्टेट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स. अब ये जो न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं ना, ये आपके न्यूरॉन्स सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं. न्यूरोलॉजिया मेक्स अप मोर देन हाफ, वन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. अब ये आधे से ज़्यादा होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरॉन्स टिश्यू में. ठीक है, न्यूरल टिश्यू में वन हाफ से भी ज़्यादा होता है हमारे न्यूरॉन्स. विच When a neuron is suitably stimulated, an electric disturbance is generated, which swiftly plasma membrane. Arrival of disturbance at the neuron's ending of output zone triggers events that may cause stimulation or innervants वगैरह. तो फिर देखो जैसे कोई, मैंने बताया ना तुमको, अगर कोई न्यूरॉन के पास कोई इम्पल्स आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, वो फटाफट से भेजेगा और वो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रेवल वगैरह कर लेगा फटाफट से. अब हाँ,
अब कोई न्यूरॉन की एंडिंग में कोई चीज आ रही है तो फिर वो फटाफट से करेगा वही चीज है इसके अंदर। अब इस चीज को तुम अच्छे से पढ़ोगे इन द चैप्टर 21, तो वहां पे मिलना, वहां पे अच्छे से पूरा समझाऊंगी तुमको। बाकी इस चैप्टर में जितना भी तुमको दिख रहा है वो तुम्हें आगे जाके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तब तक तुम काफी कुछ पढ़ चुके होगे बायो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है एनसीईआरटी पढ़ने में। तो मैंने पढ़ा दी है, खुशियां मनाओ यार, एंजॉय करो लाइफ को।